इधर देखिए, ये देखिए हमारे फार्म पे मटर बोया जा रहा है। ये हमारे फार्म पे मटर बोया जा रहा है और बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं यहाँ पे, जैसे कि गोभी, आलू, मिर्चा और ये क्या है, मुरई, मूली, धनिया और जितनी प्रकार की सब्जियां होती हैं सब लगाई गई हैं। ब्रोकली भी लगाई गई है, पत्ता गोभी भी लगाई गई है, आलू में लगाया गया है चिप्सोना, ये देखिए चिड़ई उड़ के जा रही है। ये देखिए ये माटी है, माटी देखें आप लोग, देखिए माटी है। ऐसा होता है माटी, माटी काला कलर का होता है और लाल माटी भी होता है, यहाँ पे है नहीं। यहाँ का काला माटी है, देखिए ये सारा काला माटी है, ये धूप के कारण थोड़ा पीला लग रहा होगा लेकिन ये है काला। वीडियो को बंद कर दें, 1.5 मिनट का हो गया। ये हमारे वो देखिए वो पीछे फार्म है, वो कड़कनाथ का फार्म है, जो मुर्गे बोल रहे हैं आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। अभी बगल में इसमें गाय रहती हैं, सब 4-5 को गाय हैं सब, मतलब वो देख दूध देती है और सब बैठी हैं, सब खाती हैं, सब दाब के। एक बाछा भी है, ये देखिए ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं सब। ये कबूतर ही पाले गए हैं, इनका अंडा कभी कभी हम लोग निकालते हैं और अपने मुर्गियों के अंडों के साथ बेच देते हैं। ये देखिए हमारे फार्म के ये छोटू भैया, इनका इनका शुभ नाम छोटू है। देखिए किस प्रकार घोवा बना रहे हैं, देखिए देखिए कितना स्पीड में घोवा बना रहे हैं। ये देखिए इस टेक्निक को सीखिए आप लोग, क्या किया जा रहा है, ये घोवा पे माटी चढ़ाया जा रहा है। वाह वाह क्या उत्तम तकनीक है। और ये हमारे पीछे देख रहे हैं आप, नेपियर ग्रास है, हमने लगा रखा है चारे के लिए। ये देखिए ये नेपियर ग्रास है, ये जो थोड़ा ज्यादा हरा दिख रहा है उसके पीछे तो गन्ना है, ये नेपियर ग्रास है। उसके बगल में पोखरा है जिसमें जो गड्ढा नहीं है, पानी सूख गया है इसमें। मछलियां तो हैं लेकिन वो भी मर रही होंगी क्योंकि पानी के कारण, पानी की कमी के कारण पानी ला नहीं पा रहे हैं। देखिए बैम्बू है, गड्ढा खोदने का पैसा नहीं है हमारे पास। कंगाल हो चुके हैं। और ये देखिए थोड़ा बैम्बू लगाए हैं हम लोग, छोटा सा बैम्बू है, बैम्बू लगाए हैं, अब धीरे धीरे तैयार हो जाएगा तो इसको हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। बैम्बू देखें आप लोग, देख हमको देखें आप लोग, हमको देख लीजिए। हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अरे कैसे दिखा जाएगा। हाँ।